Hello everyone, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy. And this is the fourth lecture of the chapter History Lesson 2, that is the Nationalism in India. और इसमें हम लोग समझेंगे towards civil disobedience topic जो कि बहुत important है. तो चलिए start करते हैं. तो इस topic का नाम है towards civil disobedience movement, towards सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ओके. और ये कब से कब तक चला था? ये चला था 1900 इसमें हम लोग कौन सा पीरियड कवर करेंगे? 1923 से 1930 के बीच का टाइम पीरियड इसमें हम लोग कवर करेंगे. फ्रॉम 1923 टू 1930 व्हाट हैपेंड दिस विल डिस्कस, ओके. सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस. देखिए, जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होता है ना, तो ब्रिटिशर्स अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसमें सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझते हैं कौन होगा? गांधी जी, है ना. ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि जो भी वायलेंस घटना हुआ चौरी चौरा में, तो उसके लिए उन्होंने किनको जिम्मेदार माना? गांधी जी को. और ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को 6 सालों के लिए जेल में डाल दिया, ओके. सो गांधी जी हैज बीन अरेस्टेड फॉर हाउ मेनी इयर्स? 6 इयर्स उनको सजा हो गई, 6 सालों की सजा हो गई गांधी जी को. और उनके सजा होने के बाद में क्या चीजें होंगी, ये हम लोग इस वीडियो में समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, 1923 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. हियर 1923, तो देखिएगा 1923 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी का गठन हुआ था, जिसे कहते हैं स्वराज पार्टी. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था 1923 में, किसने किया था. तो याद रखिएगा, किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास, ओके. मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास ने किया था. मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे वो, है ना, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. और सी आर दास कौन थे? सी आर दास चितरंजन दास थे, ठीक है. ये दोनों ही एडवोकेट थे, दे बोथ वर लॉयर्स, ठीक. और आपको याद होगा कि जब मैं बता रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट करने की बात हो रही थी, तो उस समय इलेक्शन को बॉयकॉट करने की बात हो रहा था, है ना. तो कुछ लीडर्स जो थे वो इलेक्शंस को बिल्कुल भी बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे, वो इलेक्शंस लड़ना चाहते थे और लड़कर जीतकर पावर में आकर ब्रिटिशर्स को और बेहतर तरीके से अपोज करना चाहते थे, ठीक है. तो ऐसे ही कुछ लीडर कौन थे? मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास. इसीलिए उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, स्वराज पार्टी उन्होंने स्टार्ट किया. क्योंकि वो क्या सोचे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बंद हो चुका है ना, गांधी जी भी जा चुके हैं जेल, लोगों में जो उनकी आशा थी वो निराशा में बदल चुकी है और कुछ बड़ा मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, तो क्यों ना एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाए और चुनाव लड़ा जाए और जीतकर, है ना, पावर में आकर ब्रिटिशर्स को फिर अपोज किया जाए. तो इसीलिए मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था. कब? 1923 में. उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये जो इवेंट होता है वो है 1924 का. तो क्या हुआ 1924 में, बताता हूँ आपको. 1924 में गांधी जी जो है ना वो जेल से रिहा हो गए. अब आप पूछोगे, सर उनको तो 6 साल की सजा हुई थी, 2 साल के अंदर ही कैसे वो रिहा हो गए, है ना. तो इसका आंसर ये है कि गांधी जी का जो तबियत है ना वो जेल में बहुत ज्यादा खराब हो गया था, और अगर गांधी जी को जेल में कुछ हो जाता तो ब्रिटिशर्स को पता था कि लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और बहुत बड़ा कुछ रिवॉल्ट जैसा हो सकता था, है ना. इसीलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए गांधी जी को जो है वो जेल से रिहा कर दिया. सो गांधी जी रिलीज्ड फ्रॉम जेल विद इन 2 इयर्स इन 1924 ड्यू टू व्हाट? पुअर हेल्थ कंडीशन, है ना. तो गांधी जी क्या हो गए? बाहर आ गए. गांधी जी रिलीज फ्रॉम जेल, ठीक है. गांधी जी रिलीज फ्रॉम जेल. अब उसके बाद में ये याद रखिएगा,
1927 है ना, 1927 से 28 में हम लोग क्या देखेंगे, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन देखते हैं 1927 से 28 के बीच में। समझिएगा 1927 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है वो एक कमीशन का गठन करती है, साइमन कमीशन। और ये साइमन कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस है भारत का उसको देखा जाए और भारत के लिए एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो जब ये साइमन कमीशन भारत में आती है, भारत में कब आएगी, 1928 में। तो जब ये साइमन कमीशन भारत में आएगी 1928 में, तो लोग इनका स्वागत करते हैं साइमन गो बैक के नारे से। अब आप पूछोगे सर ये तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आ रहे हैं, है ना, अच्छा काम करने के लिए आ रहे हैं, तो लोग इनका विरोध क्यों करते हैं, साइमन गो बैक का नारा क्यों देते हैं। तो साइमन गो बैक का नारा इसलिए देते हैं क्योंकि इस पूरे कमीशन में एक भी मेंबर भारतीय नहीं था। आप समझिए कि ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आ रहे हैं और इसमें एक भी भारतीय नहीं है, है ना। तो इसीलिए लोगों ने इसको अपोज किया और साइमन गो बैक का नारा दिया। इसके जो लीडर थे ना उनका नाम था सर जॉन साइमन, ठीक। तो इस तरीके से ये जो प्रोटेस्ट करने वालों में सबसे बड़ा नाम था लाला लाजपत राय का, जिनकी यू नो लाठी चार्ज में मृत्यु हो जाती है, ठीक। अब इसके बाद में एक चीज और आप याद रखिएगा, ये जो साइमन कमीशन है ना उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 1929 में। सो दे हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट इन 1929 और उस रिपोर्ट में दो बातें कही गई थी, ठीक है। टू प्रपोजल वर देयर। द फर्स्ट प्रपोजल वाज ऑफ डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन, ठीक है, स्टेटस। और जो दूसरा था ना वो था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये जो दो प्रपोजल है ना वो क्यों ने दिया था, साइमन कमीशन ने अपने रिपोर्ट में दिया था। और ये दोनों ही प्रपोजल जो है वो उस समय के वॉइसराय थे, वॉइसराय कौन, जो कि सबसे बड़े बॉस होते थे ना ब्रिटिश, यू नो ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उसको कहा जाता था वॉइसराय, सबसे बड़े अधिकारी होते थे वो भारत में फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उस समय के वॉइसराय थे लॉर्ड इरविन, है ना, ये हम लोग आगे भी देखेंगे उनका नाम आएगा आगे। तो लॉर्ड इरविन जो थे ना उन्होंने भी ये दोनों प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। और लॉर्ड इरविन की तरफ से और ये जो साइमन कमीशन ने जो प्रपोजल दिया था उनकी तरफ से ये ऑफर दिया गया इंडियंस को कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस ऑफर करते हैं। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या है, डोमिनियन स्टेटस काफी कॉन्ट्रोवर्शियल यू नो एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि हम आपको आजादी तो देंगे, मतलब भारतीयों को क्या है, आजादी तो देंगे, लेकिन इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस यू विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब डोमिनियन स्टेटस का मतलब है आधी आजादी, मतलब आजादी के बाद भी आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहेंगे, है ना। तो ये रहा डोमिनियन स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट। और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो डोमिनियन स्टेटस है वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना, जब ये यू नो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसके बारे में पता चलेगा तो, ठीक, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा डोमिनियन स्टेटस को। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बीच में भारतीयों ने भी अपना एक कमेटी बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जिसका जो लीडरशिप था उसको कौन किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया था, है ना, जिसको कहते हैं नेहरू कमेटी। और जब नेहरू कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया जिसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट, तो उन्होंने ये डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया था, है ना, जो कि काफी उसके ऊपर बाद में कॉन्ट्रोवर्सी हुआ और बाद में इनको बहुत डांट भी सुननी पड़ी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि हम डोमिनियन स्टेटस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भारत में नहीं होगा, कहां होगा, लंदन में होगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कशन किया जाए, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। टोटल तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, 1930 में एक हुआ, दूसरा 1931 में हुआ, तीसरा 1932 में हुआ, है ना। तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले सबसे बड़े लीडर का नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और एक क्वेश्चन और आता है कि गांधी जी ने कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो गांधी जी याद रखिएगा गांधी जी ने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे, है ना। तो तीनों में पार्टिसिपेट कौन किए थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और गांधी जी ने सिर्फ एक में किया था जो कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था।
सो आई होप ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जब ये प्रपोजल 1929 में आया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्ट्रेट अवे कह दिया, ना तो हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ना तो हम आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरीके से दोनों चीजों को बॉयकॉट कर दिया, किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। अब हम समझते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्दर एक्शन क्या रहेगा। ठीक है, तो 1929 में आ जाते हैं, तो यहां पर 1928 में लाहौर का सेशन था। ठीक, लाहौर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन जो कि 1929 में हुआ था, वहां से ये डिक्लेयर किया कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर पूर्ण स्वराज मतलब क्या होता है? तो पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमें ये हाफ इंडिपेंडेंस डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल मीन्स 1930 है ना, 26th of January है ना 1930 को हम लोग अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। तो उन्होंने लाहौर सेशन से दो बातें कही थी, एक तो था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, उसके नीचे कुछ भी नहीं, और दूसरा था कि नेक्स्ट ईयर 1930 26 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करेंगे? अपना स्वतंत्रता दिवस, दैट इज इंडिपेंडेंस डे। पहला भारत का स्वतंत्रता दिवस था जो कि हम सेलिब्रेट करेंगे 1930 में अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जी। ठीक है, सॉरी, अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। अब एक बच्चे कुछ पूछते हैं कि सर हमारा तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 है, अब ये 26 जनवरी 1930 को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो याद रखिएगा जो 15th of August 1947 का जो इंडिपेंडेंस डे है वो एक ऑफिशियल है ना, सभी पक्षों की सहमति से वो हमें आजादी मिली थी, लेकिन ये जो है ना एक अनऑफिशियल वे पे अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए ब्रिटिशर्स को कि हम आपके गुलाम नहीं है, वी आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, हम एक आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। तो ऐसा मैसेज देने के लिए उन्होंने ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। ठीक है, तो इतना आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में चीजें मूव हो रही हैं, है ना, लोग जो है वो पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे हैं, आजादी दिवस मना रहे हैं, एकता फिर से वापस आ रही है लोगों में। ठीक है, तो गांधी जी जो है वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि माहौल जो है वो बहुत ही अच्छा है एक फिर से नेशन वाइड बहुत बड़े मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, और ये जो मूवमेंट है ना उसका क्या नाम रहेगा? इस मूवमेंट का नाम रहेगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, है ना, ये सभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी नाइसली। इफ यू हैव एनी डाउट, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, यू प्लीज कमेंट बिलो एंड लेट अस नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।